आदाब, मैं हूं फरहत और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले चंद अहम बातें और अपील आप तमाम से। तेलंगाना भर में कोरोना वायरस से रोकथाम के लिए हुकूमत की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं, साथ ही साथ इस जमन में 21 दिनों का लॉकडाउन जारी है। पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से सख्त वार्निंग जारी की गई है कि कोरोना वायरस हो या फिर कोई और बात, किसी भी तरह की गलत न्यूज़ या अफवाहें ना फैलाएं। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह लॉकडाउन बढ़ाने के बारे में भी कई तरह की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, जिनका खुलासा आज के बुलेटिन में हम करेंगे। और फिर एक बार बीबीएन चैनल की जानिब से अपील की जा रही है कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई का हिस्सा अपने घरों में रहते हुए बने। और हाँ, जैसा भी मुमकिन हो, लॉकडाउन के सबब कई लोग इंतहाई मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपने पड़ोस में निशानदेही करते हुए बिना कोई दिखावा करे खामोशी से ऐसे ज़रूरतमंदों की इमदाद करें। बहरहाल, उम्मीद करते हैं कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में सब ही अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझेंगे। आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हेडलाइंस। मरकज निजामुद्दीन के मामले पर WHO का बयान, कहा मजहब की बुनियाद पर ना की जाए कोरोना के मरीजों की दर्जाबंदी। नफरत फैलाने वाले न्यूज चैनलों के खिलाफ जमीयत उलमाए हिंद ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, नफरत फैलाने का लगाया इल्जाम, कार्रवाई की अपील। लॉकडाउन की मुद्दत में इजाफे को लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री का बयान, कहा अभी तक नहीं लिया गया कोई फैसला, न फैलाएं अफवाहें। तेलंगाना की तमाम अदालतें 30 अप्रैल तक रहेंगी बंद, हाईकोर्ट ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया फैसला। रमजानुल मुबारक के लिए WHO की खुसूसी हिदायत जारी, मौलाना जाफर पाशा ने की घरों में रहकर इबादतें करने की अपील। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने मुख्तलिफ इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग पर अमलावरी का लिया जायजा, गलत खबरें फैलाने वाले ग्रुप एडमिन्स को दी वार्निंग। और पेश है खबरों की तफसील। आलमी इदारे सेहत यानी WHO ने कोरोना वायरस COVID-19 के मरीजों की दर्जा बंदी मजहब या नस्ल की बुनियाद पर न करने की हिदायत दी है। WHO की पीर के रोज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में तंजीम के हेल्थ डिजास्टर प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर माइकल रियान ने कहा कि अगर कोई COVID-19 से मुतासर हो जाता है तो इसमें इसकी कोई गलती नहीं, कोरोना के मरीजों की नस्ल, मजहब या अकायद की बुनियाद पर दर्जा बंदी नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने ये बात एक भारतीय जर्नलिस्ट के जरिए तबलीग जमात के मरकज से कोरोना के फैलाव जैसे प्रोपेगंडे पर पूछे गए सवाल के जवाब में कही। वहीं उन्होंने हेल्थ वर्कर्स की टीमों पर हमलों के वाकयात को भी नाकाबिले कबूल करार दिया। जमीयत उलमा हिंद ने मीडिया के ग्रुप पर पिछले महीने तबलीग जमात के प्रोग्राम को लेकर मजहबी नफरत फैलाने का इल्जाम लगाया है और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जमीयत उलमा हिंद ने मरकजी हुकूमत को इस तरह की गलत तशहीर को रोकने का हुक्म देने और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की है। जमीयत उलमा हिंद और उसके कानूनी टीम के सेक्रेटरी की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त में कहा गया है कि तबलीग जमात के अफसोसनाक वाक़े का इस्तेमाल पूरी मुस्लिम कम्यूनिटी के खिलाफ किया जा रहा है। देश में कोरोना की तेजी से बढ़ते केसेस के दरमियान अफवाहों का बाजार भी गर्म है। कई रिपोर्टों के जरिए नेशनल न्यूज़ चैनलों पर भी ये कहा जा रहा है कि 14 अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन जारी रह सकता है। ऐसे में मंगल को हेल्थ मिनिस्ट्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मिनिस्ट्री के अहदेदार से जब लॉकडाउन के मुद्दत बढ़ाने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। हेल्थ मिनिस्ट्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कहा कि लॉकडाउन की मुद्दत बढ़ाने पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है, मेहरबानी करके अफवाहें ना फैलाएं और ना ही कयास लगाएं, हालात को देखकर इस बारे में फैसला लिया जाएगा। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आ रही है कि कई रियासती हुकूमतों की जानिब से मरकजी हुकूमत से अपील की जा रही है कि लॉकडाउन को 14 अप्रैल के बाद भी रखा जाए। तमाम राज्यों की तरफ से ये खबर आ रही है कि राज्य चाहते हैं कि लॉकडाउन को और ज़्यादा बढ़ाया जाए,
तो उसको लेकर केंद्र सरकार का क्या विचार है, क्या इसको बढ़ाने पर विचार कर रहा है? सर, इसके बारे में इससे पहले भी चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ने एक डिटेल अपना उन्होंने नोट इशू किया था। अभी जैसे आपने बताया, ये रिक्वेस्ट आ रही है स्टेट से, अगर इसके बारे में कोई भी डिसीजन अप्रोप्रिएट लेवल पर डिस्कशन के बाद लिया जाएगा तो मैं आप लोगों की दृष्टि में ले आऊँगा। कि लॉकडाउन को लेकर जो आपने बताया, लेकिन मीडिया में कई तरह की, सोशल मीडिया में कई तरह की के फेजवाइज होगा, कुछ ने यही छाप दिया कुछ अखबारों ने कि चार फेजेज में होगा, तो ये क्लियरिटी कर दीजिए कि क्या फेजवाइज तय हो चुका है लॉकडाउन का पालन? और कल पीएम ने भी संकेत दिए थे कि जिन जिलों में एक भी केसेज नहीं आया है उन जिलों में आप नॉर्मलसी लाइए, तो क्या इसकी शुरुआत होगी? सर, जैसे आपने कहा है कि जो भी आप ये बातें कर रहे हैं ये सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई डिस्कशन है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी क्लियरली आदेश दिए हैं कि जब तक कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ना हो तो पब्लिक में कन्फ्यूज़न, भय की परिस्थिति उत्पन्न होने के चांसेज हैं। जो भी कोई डिसीजन लिया जाएगा बेस्ड ऑन द अवेलेबल फैक्ट्स, वी विल डेफिनेटली ब्रिंग यू टू योर नोटिस। एंड टिल द टाइम अ डिसीजन इज नॉट ऑफिशियली कम्युनिकेटेड, जब तक हम आपको ऑफिशियली कोई कम्युनिकेट ना करें तो आप काइंडली उस पर स्पेकुलेट ना करें। दिस इज माई रिक्वेस्ट। तेलंगाना में रोज बरोज कोरोना के मामलों में इजाफे के पेश नज़र तेलंगाना भर की तमाम अदालतें अप्रैल की 30 तारीख तक बंद रखने का फैसला तेलंगाना हाईकोर्ट ने किया है। इस सिलसिले में हाईकोर्ट की मुकम्मल बेंच ने मामले की समाअत की। वहीं बताया गया है कि 25 अप्रैल को मुकम्मल बेंच एक मरतबा फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मामले की समाअत करते हुए मुस्तकबिल के लाहे अमल का जायजा लेगी और फैसला सुनाएगी। आलमी इदारे सेहत यानी WHO ने कोरोना वायरस यानी COVID-19 के पेश नज़र रमज़ानुल मुबारक के लिए खसूसी हिदायत जारी करने का ऐलान किया है। WHO के हेल्थ डिजास्टर प्रोग्राम यानी HDP के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर माइकल रिया ने कहा है कि HDP तंजीम इस्लामी और दिगर मजहबी रहनुमाओं के साथ रबते में है और रमज़ानुल मुबारक के महीने के बारे में हिदायत तैयार किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जारी लॉकडाउन के दौरान मगफरत वाली रात शब बरात का मौका आने वाला है। ऐसे में मौलाना हुसामुद्दीन जाफर पाशा सानी ने मुसलमानों को घरों में रहते हुए इबादत करने की अपील की है। अस्सलामु अलैकुम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फीहा युफ़रखु कुल्लु अम्रिन हकीम। ऐज़ान मुहतरम, आखिर वो रात आ ही गई जो फ़ैसलों की रात है और अल्लाह तबारक तआला आज की रात में बहुत कुछ अपने फल से अता फरमा सकता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बनी कल्ब के बकरियों के बालों की तादाद में अल्लाह तबारक तआला दोज़ख से लोगों को नजात अता फरमाता है। अज़ीज़ान करामी, मगर अपने हैदराबाद के माहौल और हालात ऐसे नहीं कि हम जाकर मसाजिद में इबादत करें, और ऐसा भी नहीं कि कोई तकारीर का और मवायस का कोई एहतमाम करे। इसलिए आपका और मेरा जो जिम्मी जो फरीज़ा है वो ये है कि ना सिर्फ अपने घरों में इबादत करें, अपने घरों में ही अल्लाह का ज़िक्र करें, अपने घरों ही में अल्लाह तबारक तआला को पुकारे और अल्लाह तबारक तआला से अपनी मगफरत को तलब करे। और अल्लाह तबारक तआला क्योंकि इस रात को फ़ैसले देता है और इन फ़ैसलों में सबसे बड़ा फ़ैसला ये भी है कि कौन रहेगा आइंदा साल, कौन नहीं रहेगा, अनाज की तकसीम और फिर हज के लिए कौन जाएगा, और इसी तरीके से अल्लाह तबारक तआला इस रात बहुत से अहम फ़ैसले फरमाएगा। उम्मीद है और अल्लाह से उम्मीद ही रखना कि हमको अल्लाह बख्श देगा, अल्लाह हमारे माफ़ कर देगा और अल्लाह हमको जन्नत फिरदौस अता करेगा। मुल्क के मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए जमात इस्लामी हिंद शाख ज़हीराबाद की जानिब से राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। ज़हीराबाद लतीफ़ रोड पर वाक़े इस्लामिक सेंटर में आज TRS MLC मोहम्मद फरीदुद्दीन और MLA मानिक राव के हाथों ये किट्स तकसीम किए गए। सदर जमात इस्लामी हिंद शाख ज़हीराबाद मोहम्मद नाजिमुद्दीन गौरी ने बताया कि जमात इस्लामी की जानिब से ज़रूरतमंदों में राशन किट्स की तकसीम बिला मजहब व मिल्लत और बिला तफरीक की जा रही है। जनाब मानिक राव साहब, डीसी एम एस चेयरमैन शिव कुमार साहब, दीगर खादिन मौजूद हजरात,
आज का ये जो राशन तकसीम करने का, किट्स तकसीम करने का जो एहतमाम किया गया है, मैं इसकी सिफारिश करता हूँ। सिर्फ आज बल्कि अरसे दराज से जमात इस्लामी ये काम करते आ रही है, मुझे बखूबी वफियत है इस ताल्लुक से। जब जब भी नाजुक वक्त आता है जमात इस्लामी सामने आकर ये काम अंजाम दे रही है, और ख़ासतौर पर रमज़ान में, माह रमज़ान में भी मुसलसल अरसे दराज से ये काम जारी और सारी है, जिसके लिए मैं जमात इस्लामी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और उनकी सतह जितनी भी की जाए वो कम है। इसी तरह से मुख्तसरन ये है कि जमात इस्लामी ने इस मरतबा अपने इस रिलीफ के काम को तीन मरहलों में तकसीम किया है। इसका पहला मरहला अहमदनगर में 50 किट्स जो है शोबे ख़वातीन के ज़रिए से मुस्तहिक अफराद को तकसीम किए गए। इसका दूसरा मरहला सिर्फ इसी इस्लामी सेंटर में 200 ज़रूरतमंदों को तकरीबन 1,20,000 की रकम तकसीम की गई है, और इसी तरह से आज के इस तीसरे मरहले के अंदर तकरीबन 600 किट्स वी किट 1,000 के हिसाब से 6,00,000 रुपए के किट बिला तफरीक मजहब व मिल्लत ज़ात लोगों में तकसीम किए गए हैं। फिर आखिर में मैं इन तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी इस काम में ताउन किया है, चाहे वो कैश की शक्ल में ताउन किया हो या खिदमत की शक्ल में हमारे सामने ताउन किया, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और साथ ही साथ मीडिया के अफराद का भी ताउन शुक्रिया अदा करता हूँ, और मेहमान खुसूसों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। मिरियालगुड़ा टाउन, सीतारामपुरा और गांधीनगर के इलाकों में TNB फाउंडेशन की जानिब से 2,000 अफराद में मुफ्त तरकारी तकसीम की गई। इस मौके पर मुनक्कदा प्रोग्राम में कानून साज कौंसिल के चेयरमैन गुत्ता सिकंदर रेड्डी और रुकन असम्बली मिरियालगुड़ा एन भास्कर राव ने शिरकत की। इस तकरीब से कानून साज कौंसिल के चेयरमैन ने खिताब करते हुए कहा कि अमरीका, इटली, चीन, स्पेन जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक कोरोना से मुतासर हैं, आवाम को चाहिए कि लॉकडाउन का मुकम्मल साथ दें। విషయం మనందరూ కూడా తెలుసు, అవి ఎవరో కోరుకున్నటువంటిది కాదు. ఎవరో ఇండోనేషియాకి వెళ్ళో, టిబెట్కి వెళ్ళో, బర్మాకి వెళ్ళో, ఎక్కడికి వెళ్ళో వచ్చిన వాళ్ళ ద్వారా మన వాళ్ళకి అంటుకుంటారు, వాళ్ళ ద్వారా ఇంకొకరికి ఇంకొకరికి అంటుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. కాబట్టి వీటన్నిటిని కూడా మనం దూరం పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఎందుకంటే మనకు ఊళ్ళలో గతంలో వస్తే దాంట్లో కులం మతం ఏది ఉండదు, అనాథ పోతారు. అట్లనే ज़िला नलगुंडा के हल्के असम्बली मिरियालगुड़ा के सीनियर सहाफ़ी अलहाज ख्वाजा हमीदुद्दीन ने कानून साज कौंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुकंदर रेड्डी की मिरियालगुड़ा में आमद के मौके पर उनसे मुलाकात करते हुए कहा कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के 200 नुमाइंदे लॉकडाउन के दौरान भी काम कर रहे हैं। मीडिया के अक्सर नुमाइंदे हुकूमत की हर आवाज़ और रियासत के हर फलाही स्कीमात को आवाम के सामने लाने के लिए दिन और रात मसरूफ़ रहते हैं। ऐसे में हम आपके ज़रिए हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि सहाफ़ियों, वीडियोग्राफ़र, फ़ोटोग्राफ़र्स के लिए पैकेज का ऐलान किया जाए। इस मौके पर मनोज अयूब के अलावा दीगर सहाफ़ी मौजूद थे। महाराष्ट्र के शहर नांदेड़ के बीजेपी रुकन पार्लियामेंट प्रताप पाटिल चिखलीकर ने आज मीडिया से बात करते हुए कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे डॉक्टर्स, हेल्थ ऑफिसर्स, पुलिस और मीडिया नुमाइंदों का इजहार तशक्कुर किया। मोदी साहब ने आह्वान के लिए, देवेंद्र फडणवीस साहब ने आह्वान के लिए, ये आह्वान आमच जनते 14 एप्रिल पर्यत लॉकडाउन सुरू ठेवले आहे। 14 एप्रिल पर्यत कोणीही घराच्या बाहेर पडू नये अशी हात जोडून नांदेड जिल्ह्यातल्या सर्व बंधू भगिनीला माझी विनंती राहणार। आपण बघितलं की आज आरोग्य खात्याचे कर्मचारी, परिचारिका असतील, डॉक्टर असतील, त्यांचा स्टाफ असतील, पोलीस खात्याचे कर्मचारी अधिकारी असतील, ते रस्त्यावर बिचार रात्रंदिवस उभा आहेत, दवाखान्यातले कर्मचारी स्वतःचा जीव धोक्यात टाकून। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा, फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।